अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक होगा, शुक्रवार में क्या होता है। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची नहीं इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टिकरण और एपिसमेंट करने वाले, ये तुष्टिकरण और एपिसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। देश का होम मिनिस्टर है, वजीरे दाखला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनार तकते और कहते हैं कि मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको, रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते हैं। आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल कट रहा जाएगी। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देखा, एक हकीर उतरा उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए। इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट दिए ना, आप तो संविधान पर हलफ लिए जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं,